हिमाचल प्रदेश में इस बार भी रिवाज कायम है। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा बरकरार रखी है। हिमाचल में सरकार बनने के लिए 35 सीटों की जरूरत है और कांग्रेस ने इस जादुई आंकड़े को पार कर 40 सीटें जीतकर सत्ता की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस हिमाचल में सरकार तो बनाएगी, लेकिन उनका सीएम कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने सीएम पद की दावेदारी ठोकी थी, लेकिन सीएम की दावेदारी पेश करने वाले कई उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं, जिससे पार्टी में अब सीएम पद के दावेदार थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कांग्रेस का सीएम कौन होगा, क्योंकि दावेदारी ठोकने वाला कोई भी बागी हुआ तो हिमाचल में सरकार बनाने का कांग्रेस का सपना सपना ही रह जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए हिमाचल की जीत के बाद सीएम तय करना आसान नहीं होने वाला है। कौन बैठेगा देवभूमि की कुर्सी पर? दरअसल हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है और ठीक इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में गुरुवार को कांग्रेस ने 44 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और बीजेपी को महज 25 सीटें मिली हैं, तो वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कागज पर लिखकर देने में माहिर आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के साथ हलचल भी बढ़ गई है। कांग्रेस में सीएम पद के कई दावेदार हैं, जिनके लिए माथापच्ची भी शुरू हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर मुकेश अग्निहोत्री में से पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो वहीं उनकी मां प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में उनकी दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाई कमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाई कमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाएगा, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिताकर भेजा है हम लोगों को। कांग्रेस को किस बात का सता रहा है डर? भले ही हिमाचल में कांग्रेस ने 44 सीटें जीतकर सत्ता की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हों, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी का डर सता भी रहा है। कांग्रेस को लगता है कि कहीं बीजेपी नव निर्वाचित विधायकों को प्रलोभन देकर खरीद न ले, इसलिए कांग्रेस ने शिमला में हिमाचल प्रदेश में अपने सभी नव निर्वाचित विधायकों को शुक्रवार को बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इससे पहले पार्टी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। हालांकि सीएम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला पर्यवेक्षक लेंगे। वैसे सीएम पद की दावेदारी में प्रतिभा सिंह का पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।